इस दुनिया में तीन आत्माएं हैं, एक पवित्र आत्मा, दूसरा इंसान का आत्मा, तीसरा शैतान का आत्मा। ये पावर, ये इमेजिनेशन, उत्पत्ति वाली हम वचन को पढ़ेंगे, 30 बाप वाले वचन को। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरे दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे तुझे दूंगा। उसने कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वो कितने थे, अब कितने हो गए। यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। फिर उसने कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तो मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए काम कर, फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और वे मेरी मजदूरी की ठहरेंगी। जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यह साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई चित्ती वाली या चितकबरी हो, या भेड़ों में से जो कोई काली ना हो और मेरे पास मिले, तो वो चोरी की होगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। तब उसने उसी दिन धारी वाले और चितकबरे बकरों और चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जो कुछ उनमें उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार, बादाम और अमोर्न वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उन्हें कहीं कहीं से छील कर धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पीने के पानी के कठोतों के में खड़ा किया, और जब वो पानी पीने के लिए वहां गई, तब वहां गाभिन हो गई। याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। जब मूसा इसराइलियों को छुड़ाने के लिए गया, तो वहां पर जो जादूगर थे, उन्होंने अपनी सांप को क्या बना दिया था? क्या वो फेक था? क्या वो सांप नकली था कि असली था? असली था ना, फेक तो नहीं था। वो चमत्कार जो जादूगरों के द्वारा किया गया, वो असली था कि नकली था? असली था, वो सांप असली था। और जब परमेश्वर मूसा को भेज रहा था, तो परमेश्वर को मालूम था कि उन जादूगरों के पास ये पावर है कि वो छड़ी को सांप बना सकते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, उनके पास पावर है, लेकिन मैं भी तुझे पावर देके भेजता हूं, तू जो सांप बनाएगा वो उनके सांप को क्या कर लेगा, खा जाएगा।